हाय फ्रेंड्स, और ये सेहत की दुनिया में एक बार आपका फिर से मोस्ट वेलकम है। जैसे कि आजकल ये फैशन की दुनिया के अंदर हम या लोगों के पास टाइम भी नहीं है और सेहत भी बनानी है, तनावग्रस्त ज़िंदगी चल रही है लोगों की, तो हमें इन सब से निजात करने के लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए हमें बहुत ही आसान आसान तरीके मिले हैं जो पुराने टाइम से ही वैदिक कालीन से लोग करते हुए आ रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें इसकी वैल्यू समझनी चाहिए। तो सबसे पहले जो मैं आज आपको बताऊंगा केवल बालों के लिए है। पहले तो इसके लिए बालों के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ रोज़ अगर जो हम केवल तीन मिनट, सिर्फ केवल तीन मिनट इस तरीके से अपने नाखूनों को एक दूसरे पर हल्के से रगड़ें, तो मैं मानता हूँ कि आपके बाल का टूटना, बालों का एकदम तेज़ी से सफ़ेद जो हो रहा है वो नहीं होने के, और बाल आपके बहुत ही टाइम तक चलेंगे और ब्लैक घने रहेंगे, ये इस एक्सरसाइज का दावा है, ये जो मैं योगा आपको करके दिखा रहा हूँ। और अब रही आपकी दूसरी बात, जैसे कि मैंने देखी कि आजकल हर शुगर, हर चार आदमियों में एक आदमी को शुगर तो ऐसे हो गई है जैसे बहुत ही कॉमन सी बीमारी है। इसके लिए भी कुछ नहीं है, शुगर में वैसे तो पैदल अगर जो आदमी चले तो इससे ज़्यादा अच्छी सेहत मैं मानती नहीं कि इससे अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन अगर जो आपका टाइम कम है और आप कम चलते हैं तो इसके लिए आप केवल पाँच मिनट के लिए सिर्फ आप इस मुद्रा में, ये देखिए मेरा पैरों पे हाथ है, अब बिल्कुल सीधे बैठ जाएं पंजों के बल और अपना पूरा वजन जो है वो पीछे की ओर अपने पंजों पर डाले रखें, केवल पाँच मिनट। इससे आपकी शुगर में एकदम कंट्रोल की मैं गारंटी लेता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शुगर के लिए, और शुगर ही बीमारियों की जड़ होती है, इससे ना जाने कितनी ही बीमारियां जन्म देती हैं। तो केवल पाँच मिनट आपको इस तरीके से बैठना है रेगुलर। देखिए मैं बिल्कुल पंजे के बल बैठा हुआ हूँ, ये देखिएगा आप इस तरीके से मैं बैठा हुआ हूँ पंजों के बल, कुछ नहीं, बिल्कुल सीध है आप बैठे। अच्छा दोस्तों, तीसरी फिर मैंने बताता हूँ कि इस भागम दौड़ की जिंदगी के अंदर जो है हमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो रही है, और वो आती है कि बीपी, ये शुगर की बीमारी की समझिएगा स्टार्टिंग बीपी से ही है, और ये जो ब्लड प्रेशर हमारा होता है धीरे धीरे ऐसी ऐसी चीज़ें से हो जाता है, हम खाम में तनाव लेने लगते हैं, पूरी निद्रा नहीं आती हमें, तो इसके लिए भी कुछ चंद योगा हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हमें ये करने बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊँगा, वैसे तो कोई से भी योगा बीपी के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बीपी वाले मरीजों को ज़्यादा ना तो तेज़ कदम से चलना चाहिए, उसको स्लो मोशन में ही चलना चाहिए, और दूसरी बात उसे ज़्यादा हैवी वेट नहीं करने चाहिए अगर जो वो एक्सरसाइज करता है, तो योगा इसके लिए बिल्कुल रामबाण की तरह होता है। योगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ अगर जो हम केवल इस मुद्रा में खड़ा हो जाएं तो ये हमारे लिए बीपी के लिए बहुत ही प्यारी मुद्रा है। देखिए ये इसी तरीके से हम ये वाला पैर करेंगे और फिर दूसरे हाथ से हम ये करेंगे, ये इस तरीके से होता है जिस तरीके से आपने सांप को कभी पेड़ पर लिपटा हुआ देखा हो। और बीपी के लिए अगर जो हम, ये भी होता है कि कभी हम भीड़ में खड़े हुए हैं या सड़क पे चल रहा है और हमें ऐसा लगता है कि हमें चक्कर आ रहे हैं, बीपी हमारा डाउन सा होने लगता है, तो हमें उस टाइम पर क्या करना चाहिए, वहां खड़े खड़े ताकि हम गिरे ना या पब्लिक का सामना करें, तो हमें ये इस तरीके से हाथ चलाने चाहिए और पैरों को थोड़ी सी जो हमारे पंजे हैं उसको मूवमेंट देनी चाहिए। ये देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा, माना मुझे चक्कर आ रहा है तो मैं इस तरीके से मूवमेंट दे रहा हूं, इससे क्या होता है कि आप ऐसा लगेंगे आप खुद अपने आप को वहां पर फील सही फील करेंगे और आपको जो चक्कर वो आ रहे हैं, कुछ भी परेशानी हो रही है, तो आप इस चीज से भी बहुत जल्दी दूर हो सकते हैं। तीसरी इसके लिए कुछ नहीं, अगर जो आप जरा सा पैर, मतलब हर कोई सी भी एक्सरसाइज जैसे कि हम किसी में ये भी कर रहे हैं, ये भी आप स्लो स्लो करके आप, मतलब बीपी आपका बिल्कुल कंट्रोल, ये देखिए। तो दोस्तों अपनी सेहत के अंदर बहुत सुधार रखिएगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगर जो आप अपनी सेहत के लिए केवल 10 मिनट भी निकाले रोज, तो मैं मानता हूँ आप बहुत ही और बहुत ही जल्दी हर चीज़ से निजात पा लेंगे। और हाँ दोस्तों, इस टेंशन भरी दुनिया के अंदर जो है आपको नींद भी बहुत जरूरी है, ये नहीं कि आप वीडियो गेम के अंदर, टीवी के अंदर, जितना हो सके आप लाइटिंग के काम से बचें,
ये जो हम पर लाइटिंग पड़ती है, जैसे धूप की बहुत तेज लाइट का होना, या हम टीवी 32 इंची का टीवी छोटे से कमरे में रख लेते हैं, ये हमारे लिए सेहत के लिए खिलवाड़ है, सेहत से खिलवाड़ है बहुत बुरा। तो दोस्तों हमें इसके लिए यही करना होगा कि कम हम वीडियो गेम, कंप्यूटर, लैपटॉप ये बहुत कम चलाएं। इसी के साथ मेरी यही आपसे गुजारिश रहेगी कि आप अपने शरीर के लिए टाइम निकालें, और मेरी ये यूट्यूब देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।